अस्सलाम वालेकुम नादरीन। पूरी कौम को जिस खबर का इंतजार था वो आज उन्हें खुशखबरी मिल गई और जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन ये सुबह 9 बजे से और शाम 5 बजे तक का वक्फा जो है मुख्तलिफ अफवाहों की जद में रहा, मुख्तलिफ तबसरे होते रहे और ऐसा एक माहौल क्रिएट किया गया कि पाकिस्तान में जाने क्या होने जा रहा है और किस तरह की ये एक नानियत की जंग थी जो दोनों तरफ से जारी थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी ये कहती थी कि उनका ये हक है और उन्हें ये हक दिया गया है कि वो जो है नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकरर करेंगे, जबकि इमरान खान उन्हें चोर लुटेरे डाकू और करप्शन वाले कहते थे और कहते थे कि इन्हें इस बात का कोई हक नहीं है कि वो नए आने वाले चीफ का तकरर करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया और दोनों तरफ अब इत्मीनान का एक सांस लिया है लोगों ने। पूरी मुल्क की मईशत जो है वो इस पूरे झगड़े के अंदर तबाह हो गई है, डॉलर कहीं से कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन ये आपस की सियासतदानों की जंग थी और इसी जंग ने जो है हमें आज ये दिन दिखाए। पाकिस्तान जो तबाही के रास्ते पर है वो भी उसकी वजह ये सियासतदान है। अगर ये मुल्क के मईशत से, मुल्क के अवाम से, लोगों के मसाइल से, महंगाई के इश्यूज से और बेरोज़गारी के इश्यूज से, इनसे अगर ये बात करें और इनको एड्रेस करने के लिए कोई काम करें तो इस बात की तवक्को की जा सकती थी कि पाकिस्तान टेक ऑफ करे। लेकिन ये जो आपस के झगड़े हैं इन्होंने हमारी मुल्क की मईशत को भी तबाह किया है, लोगों को भी तबाह किया है। सबसे ज़्यादा यही मसला रहा कि आरिफ अलवी साहब जो हैं सदर पाकिस्तान होते हुए उन्होंने एक पीटीआई कारकुन का रोल अदा कराया और वो इस ओहदे की मंजूरी के लिए, मुशावरत के लिए इमरान खान से मिलने के लिए लाहौर गए और उन्होंने उस मुशावरत के बाद कुछ वक्फे के बाद ये ऐलान किया। और उस ऐलान से पहले भी जो फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उससे भी ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद वो इस फैसले से इख्तलाफ करें या कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी करें जो इस फैसले को मुतनाज़ा बना दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला खुश असलूबी से कामयाब हो गया। आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान थे, उन्हें सदर पाकिस्तान बनने के बाद एक पार्टी का कारकुन नहीं बनना चाहिए था, एक पार्टी के मौक़ के ऊपर नहीं चलना चाहिए था और ना ही उन्हें ये जेब देता था कि वो सदर पाकिस्तान होते हुए एक पार्टी लीडर से मिलने के लिए। आरिफ अलवी साहब इससे पहले भी कई मुतनाज़ा चीज़ों में मुलविस रहे हैं। काजी फ़ाइज ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस का मामला था उन्होंने भी उसमें भी एक सिटिंग जो जज है उनके ख़िलाफ़ उन्होंने वो रेफरेंस दायर किया जो बाद में अदालत ने टर्न डाउन कर दिया। इसी तरीके से उनके ख़िलाफ़ उन्होंने असेंबली को तहलील किया, वो भी गैर कानूनी अमल था और वहाँ से उन्होंने बग़ैर किसी एक मीटिंग के वो NFC अवार्ड जारी कर दिया था और उस दौरान भी उनके ख़िलाफ़ मुआवजे की तहरीक के बारे में सुनने में आ रहा था। लेकिन अब लगता है कि उनके दिन पूरे हो चुके हैं और उनके ख़िलाफ़ किसी वक्त भी मुआवजे की तहरीक आ सकती है और उन्होंने जो इकदाम किया है वो कतन एक सदर के शाया निशान नहीं था। इमरान खान इस वक्त कहाँ खड़े हैं और उनकी जो सियासत थी वो अब क्या होगी? पहले उनका पूरा बयानिया जो था वो फौज के ख़िलाफ़ था, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था, भाजपा के जाने थे और उनकी जानिब से सियासत में हिस्सा ना लेने के इदारे के फैसले की ऐलान के बाद अब उनके पास कोई ऐसा इशू बाकी नहीं रहा है जिसके ऊपर वो बात कर सकें, तो उन्हें अब एक बड़ा यू टर्न लेना होगा और उस मुल्क में नए इंतखाबात के लिए उनको कोशिश करनी चाहिए, मुल्क से बेरोज़गारी के खात्मे के लिए उनको कोशिश करनी चाहिए और मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए उनको कोशिश करनी चाहिए।
आवाम को भी इस टेंशन से निकालना चाहिए। अब जलसे जुलूसों की सियासत नहीं बल्कि उनको पार्लिमानी सियासत करनी चाहिए। आवाम ने उनको मैंडेट दिया था, पार्लियामेंट में जाकर वो लोगों के मसाइल हल कर सकते थे, बहुत सारे मसाइल के ऊपर बात हो सकती थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया, कन्फ्रंटेशन का रास्ता इख्तियार किया, एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिस रास्ते के अंदर कई जाने भी जाए हुई और मुल्क और कौम को एक परेशानी में भी मुब्तला रखा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सारे मामला सुलझ गए हैं। जनरल आसिफ मुनीर की तकरीरी के बाद इस बात की तवक्का है कि अब इस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई मज़ीद जारी नहीं रहेगी और वो अच्छे बच्चों की तरह सही तरीके से काम करेंगे और उन्हें सियासत पर तवज्जो देनी चाहिए, अपने पार्टी की जानिब तवज्जो देनी चाहिए, आइंदा होने वाले इंतखाबात पर तवज्जो देनी चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा मैदान है। लेकिन इमरान खान अगर ये तमाम काम करेंगे तो आवाम में उनको जो मकबूलियत हासिल है उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने वक्त को ना पहचाना तो फिर उनके साथ भी वही कुछ हो सकता है जो बहुत सारे सियासतदानों के साथ हो चुका है माजी में। इसके साथ ही आज का हम ब्लॉग ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह इन मामलात पर कल फिर बात होगी।